वे दोनों मतंग ऋषि के आश्रम पुत्र की कामना लिए जा रहे हैं। उन्हें मतंग ऋषि तक पहुंचने से रोकना होगा। तुम महारानी मंडोदरी के भाई मायावी को वहां भेजो और उसे कहो कि वो अंजना और केसरी को रास्ते में ही समाप्त कर दे। रास्ते समाप्त। तुम्हारे पैर में तो कांटे चुभे हैं। लाओ मैं निकाल देता हूँ। नहीं स्वामी, आप मेरे पति हैं, आपसे पैर कैसे छुआ सकते हैं? और फिर न जाने आप रास्ते में कितने और कांटे चुभ रहे हैं। इन्हें निकालने में समय नष्ट नहीं करना चाहती। मैं भी मंदोदरी का भाई हूँ मायावी। अब देखो मेरी मृत्यु चाल। सामने जंगली भैंसा है, इसे जाने दो। इसके निकलने की प्रतीक्षा नहीं कर सकती। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। आइए। आइए। विराजिए। ऋषिवर। वानरराज केसरी, देवी अंजना, आप दोनों का हमारे आश्रम में स्वागत है।
यदि आप हमें जानते हैं तो हमारे यहाँ आने का उद्देश्य भी मालूम होगा आपको। वानर राज, हम सब जानते हैं, आप चिंतित ना हो वानर राज, सब प्रभु की माया है। इस पृथ्वी पर जो भी होता है सब उनकी योजना अनुसार होता है। रावण को नर और वानर छोड़कर सबसे वध ना होने का वरदान प्राप्त हुआ है, इसीलिए भगवान शंकर उसे मारने के लिए एक वानर की कोख से जन्म लेना चाहते हैं। आप कोसों दूर पैदल चलकर आए हैं, आप भोजन आदि करने के बाद विश्राम कर ले, उसके बाद आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अरे देवी, आपके पांव में तो कांटे चुभे हुए हैं, लाइए मैं निकाल देता हूँ। नहीं ऋषिवर, मैं तो यहाँ आपको गुरु मानते हुए पुत्र की कामना से आई हूँ, गुरु से पैर नहीं छुआ सकती। किंतु देवी, अतिथि तो भगवान के समान होता है, अतिथि देवो भवा, यह हमारी संस्कृति है। लाइए मैं निकाल देता हूँ। ऋषिवर, हमारी संस्कृति में तो गुरु को भगवान से बड़ा मानते हैं। मैं इसे निकाल देता हूँ माता। माता की चरणों से मैं निकाल देता हूँ कांटे। बड़ी ही सात्विक परम पुनीत है पावन माता की ममता, शिव भी जो ममता के पुजारी रह न सके वो बिन ममता। मुनि बालक के भेष में आकर आंसू से धोए चरण माँ के, पीड़ा हर ली सब माता की, सेवा करके धन्य हो गया, धन्य हो गया सेवा करके। महादेव, आप अपनी माता की सेवा कर रहे हैं। हाँ ऋषिवर, माता के चरणों में स्वर्ग है। अंजनी माँ को स्वस्थ बनाकर मुनि कुमार जब चला गया, मतंग ऋषि ने अंजनी को ओम नमः शिवाय का मंत्र दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। माता से मिलने की प्रसन्नता झलक रही है आपके मुखमंडल पर स्वामी। देवी, माता की सेवा में जो असीम सुख है, जो आत्मसंतोष है, वो पहली बार अनुभव किया है हमने। सत्य है, किंतु स्वामी मेरे मन में एक प्रश्न है। कहिए देवी। देवी सुनैना और देवी कौशल्या ने तो पूर्व जन्म में तप किया था, इसलिए उन्हें विष्णु देव और देवी लक्ष्मी की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। किंतु अंजना तो पूर्व जन्म में अप्सरा थी, उसने तो कोई तप नहीं किया था। आप सत्य कह रही हैं देवी। अंजना पूर्व जन्म में कुबेर की अप्सरा पुंजिक स्थला थी। वो पूजा उपासना के कार्य में निपुण थी। एक बार इंद्र ने उसे स्वर्ग लोक बुलाया, क्योंकि वहां दुर्वासा ऋषि आ रहे थे। वे बहुत ही उग्र स्वभाव के हैं, इसीलिए इंद्र ने पुंजिक स्थला को उनकी सेवा में नियुक्त किया, ताकि उनकी पूजा कार्यों में कोई त्रुटि ना रहे। वे वहाँ कुछ अनुष्ठान करने वाले थे। पुंजिक स्थला पूरे सेवा भाव से दुर्वासा ऋषि के कार्य करती थी। उनके खाने पीने से लेकर पूजा हवन आदि की तैयारियां भाग भाग कर करती थी। बहुत उछल कूद कर रही है। अक्षत, जल, हल्दी, रोली, मोली, सब हो गया। घी तो भूली गई, अभी ले आई। पुंजी का स्थला बड़ी उछल कूद कर रही है बंदरिया की तरह। जा, अगले जन्म में बंदरिया हो जा, अगले जन्म में बंदरिया हो जा, अगले जन्म में बंदरिया हो जा। क्षमा रे शिवर, क्षमा। मैं तो आपकी सेवा में लगी थी, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। आपकी सेवा में कोई त्रुटि न रह जाए, आप कोई वस्तु खोजे उससे पहले वो आपकी सेवा में उपस्थित हो, मैं बस यही कर रही थी। क्या मेरा अपराध इतना बड़ा था ऋषिवर कि आपने मुझे इतना कठोर श्राप दे दिया? नहीं पुंजिक स्थला, मैं तुम्हें श्राप नहीं देना चाहता। तुम्हारा सेवा भाव तो प्रशंसा के योग्य है। फिर क्यों ऋषिवर, क्यों? लगता है ये सब ईश्वर की ही माया है। उसने ही ऐसा कुछ किया कि ये सब हो गया। भविष्य में वो तुमसे कोई विशेष कार्य कराना चाहता है। किंतु ऋषिवर, मैं तो श्रापित हो गई ना। मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, किंतु तुम्हें आशीर्वाद तो दे ही सकता हूं। पुंजिक स्थला, मैं तुम्हें शक्तियां देता हूं कि तुम जल, फल और नभ कहीं पर भी बिना बाधा के आ जा सकोगी। अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकोगी। भविष्य में तुम्हें एक महान पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसके कारण तुम संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध होगी।
और एक देवी के समान पूजी जाओगी। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। ये सब ईश्वर की ही योजना थी। पुंजिक स्थला की पूजा, उपासना, श्रद्धा और सद्भाव के कारण ही उसे इस विशेष कार्य के लिए चुना गया। अब तो मुझे प्रतीक्षा है उस दिन की, जब मैं पुत्र रूप में जन्म लूंगा और मेरी माता बनेगी देवी अंजना। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय च 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 नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हे देवाधिदेव, कृपा कीजिए अंजना की करुण पुकार को सुन लो प्रभु। पहले तो फलाहार करती थी, फिर जल पीकर, और अब तो उसने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया। निराहार होकर तप कर रही है। अब उसकी और कठोर परीक्षा मत लो। नमः शिवाय। Oh.